डिस्कशंस, लेकिन आज का टॉपिक मैथ का नहीं है। आज हम दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आज जो टॉपिक है उसे आप कह सकते हैं द अर्थ, या इसको यूं बोले आवर होमलैंड। आवर होमलैंड, आवर होमलैंड, अर्थ जो है हमारी होमलैंड है। सबसे पहले अर्थ कैसी होती है तो हम इसको ये देख लेंगे। लगभग लगभग एक यूं सा, हालांकि ये सेप होता नहीं है अर्थ के, सेप को जियोइड कहते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ है। सबसे पहले इट इज अ डायनामिक प्लेनेट, इट इज अ डायनामिक प्लेनेट। डायनामिक का अगर हिंदी वर्ड सुने तो हम इसे बोल सकते हैं गतिशील, गतिशील। ये गतिशील प्लैनेट है अगर हम देखें तो। ये शायद मात्रा का ध्यान रख लेना आप यार, ठीक है। ये गतिशील प्लैनेट है, इट मींस ये हमेशा जो ना अगर देखें तो लगातार इसमें कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। कॉन्स्टेंटली अगर हम देखें, अंडरगोइंग, कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस, या फिर लगातार इसमें चेंजेस होता रहता है। और चेंजेस किस प्रकार के, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, धरती के अंदर से और बाहर से लगातार चेंजेस होते रहते हैं। अगर हम देखें सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है इसे आप सीधा कह सकते हो क्या ये क्रस्ट है। इसके बाद मान लो ये अगर इसका कोर है धरती के, तो ठीक है, तो इसे कई लेयर में डिवाइड किया गया है, इसको कई लेयर में, तो इसे आप सीधा कह सकते हो कि द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू सेवरल सेवरल लेयर्स, इसे कह सकते हैं, ठीक है, सेवरल लेयर, या इसे लेयर्स कहो आप, जो भी है, कई लेयर्स में से डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर मोस्ट को जो ना कहा जाता है, ठीक है, अपर मोस्ट जो है, अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। अपर मोस्ट को हम कहा जाता है, ये अपर मोस्ट को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। अगर सबसे पहले अगर देखें क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्रस्ट जो है ना ये एकदम पतली सी है। तो सबसे पहले क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो है इट इज द थिनेस्ट लेयर, इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ ऑल ऑल द लेयर्स। ये सबसे क्रस्ट जो है सबसे अगर हम देखें तो एकदम सबसे पतली है ये। इसका अगर हम साइज अगर देखें इट इज अबाउट 5 किलोमीटर, इट इज अबाउट अबाउट जो है इट इज अबाउट 5 किलोमीटर ऑन ओशियनिक फ्लोर। एंड 35 किलोमीटर ऑन कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल मास, इसे कह सकते हैं। तो ये अगर हम एक यहाँ पे ड्रॉ करें, मान लो ये सेक्शन हमारा, ये निकालते हैं तो ये सबसे पहले क्रस्ट हो गया, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये सबसे जो एरिया होता है इसे कहा जाता है, ये कोर है, कोर का सबसे ये कहा जाता है इनर कोर, ये बाहर में होता है तो थोड़ा सा इसको कह सकते हो आउटर आउटर कोर,
क्रस्ट के बाद ये पूरा जो लेयर होता है, ये लगभग अगर हम देखें ये पूरा हिस्सा जो है ना आपका चला जाएगा यहाँ पे, ये इसकी बाउंड्री होती है लगभग लगभग, ये पूरा हिस्सा अगर हम देखें यहाँ से, हालांकि ये बहुत छोटा ही होगा, ये आउटर कवर इसको आप मान लीजिए, अगर हम देखें तो ये वाला, ये हो गया मेंटल, ये हिस्सा यहाँ से अगर हम देखें तो ये पूरा मेंटल है, ये मेंटल का ही, ये भी हिस्सा मेंटल का ही कहलाता है, ये सारे के सारे, ये पूरा हिस्सा। तो कुछ हद तक अगर देखें तो बस थोड़ा सा कलर का फर्क है कि इसमें जो है अगर हम ये देखें तो ये पूरा डार्क एकदम रेड हो जाएगा, ये कोर पूरी तरह से अगर देखें तो ये है। लेकिन एक साथ याद रखने वाली बात है कि इनर कोर जो है वो सॉलिड है, ये इस बात का ध्यान रहे, और आउटर कोर जो है ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ये रहे तो ज़्यादा ये होगा, क्योंकि इस अगर आप ये देखें तो यहीं पे हमारा निकल कर आता है क्या, ये हो गया सारे के सारे इसी रेंज में, जितना भी है वाटर है सब चीज़ है यहीं पे है, वो इसी रेंज, इसी पे पहाड़ है, कॉन्टिनेंट्स है, जितने भी हैं। इसका एक सेपरेट सा डायग्राम बना देता हूँ पहले, आपको समझ में आसानी होगी। थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें बेसिक सी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोर हो गया, कोर में दो लेयर हो गए, ठीक है, इसके साथ साथ क्रस्ट हो गया, क्रस्ट जो है सबसे थिनेस्ट है, अगर हम इसमें बात करें क्रस्ट की बात हो गई कि क्रस्ट जो है सबसे थिनेस्ट है। क्रस्ट में एक चीज़ और होती है कि अगर एक यहाँ से डायग्राम अगर हम निकालें, मान लो अगर हम एक ऐसा पिज्जा सा शेप अगर निकालते हैं, तो ये जो है ना, ये सारा का सारा एरिया जो है ये हो गया आपका ओशनिक फ्लोर वाला, इसी में अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा पे जितने भी आप कह सकते हो कि और बाकी चीज़ें एग्जिस्ट करेगी, सबसे कॉन्टिनेंट से लेकर माउंटेन तक अगर हम देखें यहाँ पे सब के सब, ये पूरा हिस्सा जो ना कॉन्टिनेंट से लेकर आपका सारा, ये क्रस्ट का हिस्सा है ये अगर हम इसको बता दें एक बार फिर से तो आपको समझ में आएगा, ये हिस्सा क्रस्ट, ये पूरा क्रस्ट हो गया, यहाँ से ये पूरा ही हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर देखें, थोड़ा सा ये हिस्सा जो है ना आपका ये बन गया क्या, ये बन गया एकदम इनर कोर जिसे कहते हो, वो वाला हिस्सा है, ये एक राउंड शेप की अर्थ का एक हिस्सा, अगर शेयर्स हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिस्सा जो है ना सबसे ज़्यादा इनर कोर है, ये आपका इनर कोर है, वहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है, इनर कोर हो गया ये वाला, ये सॉलिड है, इस बात का ध्यान रहे। अगर ये हम देखें तो ये है आउटर कोर, आउटर कोर, आउटर कोर ये लिक्विड है, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है इसका याद रखें, और ये जो पूरा ही हिस्सा है ना, ये सारा का सारा डेडिकेटेड ये हिस्सा अगर हम देखें तो ये पूरे हिस्से को आप मेंटल बोल सकते हैं, ये पूरा हिस्सा मेंटल है। अभी हम इसकी लेंथ जिक्र करेंगे कि कितना इसका लेंथ है क्या है, तो सबसे पहले वन बाय वन अगर देखें तो इसको ये करते हैं, तो क्रस्ट की बात चल रही थी, तो क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो ना 5 किलोमीटर यहाँ पे है, ये जो ओशनिक यहाँ ना ओनली 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर इस जगह, और यहाँ पे 35 किलोमीटर है, ठीक है, इस बात का आपको ये याद रखना है। यहाँ से इसकी क्रस्ट की अगर हम बात करें, क्रस्ट में बना क्या है, क्रस्ट जो ना अगर देखें सेवरल सेवरल ये कई सारे लेयर्स, अर्थ की कई सारी लेयर में से सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो लेयर है आपका क्रस्ट, क्रस्ट जो बना है ये बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ, इट इज़ मेड अगर हम देखें, मेड अप ऑफ अगर हम यहाँ से लें कि ये जो बना है सिलिका से बना है, सिलिका एक सब्सटेंस होता है, अगर हम इसकी ये अगर बात करें सीधा का सीधा तो ये हो गया, ये क्रस्ट की हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है इसकी बात कर रहे हैं, सिलिका प्लस एलुमिना,
ठीक है, तो सिलिका और एलुमिना इसमें से अब दो वर्ड निकाल लें एस आई, ठीक है, और ये बना लें इसके साथ जोड़ दें, ठीक है, ए एल को इसके दो वर्ड को, ये बन गया सियाल। तो ये सीधा याद रखना है कि सिलिका, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो बना है वो बना है सिलिका एल्युमिनियम विच इज़ कॉल्ड सियाल, ये सियाल से बना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ओशियनिक की अगर बात करें, ओशियनिक क्रस्ट की अगर बात करें, तो ओशियनिक क्रस्ट ये वाला जो हिस्सा है ये बना है सिलिका हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये सेम चीज़ सिलिका रहता है, और ये मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से बना है अगर हम देखें तो। अगेन इसके टू वर्ड्स निकालने एस आई, और इनके दो वर्ड को जोड़ दें एम ए, जिसे हम कह सकते हैं क्या बन जाता है सीमा, एस आई एम ए। तो सिलिका से बना है क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल एरिया ये वाला, और कॉन्टिनेंटल एरिया जैसे कि अगर हम देखें ये पहाड़ वाला टाइप का जो एरिया है, इस पर 35 किलोमीटर विचिज अगर देखें तो जो है 35 किलोमीटर ये बना है, ये बना है सियाल से, सिलिका और एल्युमिनियम से। इसके बाद ओशनिक फ्लोर जो है, जहाँ ओशंस है वहाँ के नीचे जो क्रस्ट बनी है वो बनी है सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। अगर हम देखें इसको काफ़ी ज़्यादा इस पर हलचल होती रहती है, इसका काफ़ी सारा इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे लोग इसमें डिगिंग से लेकर कई एक्टिविटी करते रहते हैं। आज तक की जितनी भी जो डिगिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी वर्क हुए हैं, सबसे पहले अगर मैं देखूं इसको तो डीपेस्ट माइंड जो आया कर पाया है इंसान वो है 4 किलोमीटर। अगर देखें ये साउथ अफ्रीका में हो पाया है, बट ऑयल रिसर्च के लिए अगर देखें, ठीक है, ऑयल रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए 6 किलोमीटर तक की नॉलेज है, जहाँ तक हमें ये है कि 6 किलोमीटर जो है ना डिगिंग हो पाई है क्रस्ट के अगर हम देखें तो। तो क्रस्ट कुल मिलाकर 35 है, ओशनिक फ्लोर पर 5 है, तो ऑयल से रिलेटेड ये चीज़ें हुई है। नेचुरली जो सबसे डीपेस्ट माइन है वो सबसे डीपेस्ट जो ना खाई है वो है गड्ढा अगर देखें तो, जिसको कहा जा सकता है ये सबसे डीपेस्ट अगर देखें तो जो पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच विच इज़ अबाउट जो है 11 किलोमीटर के आसपास है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ से डिगिंग करना चाहते हो, यहाँ से डिगिंग करके यहाँ पहुँचना चाहते हो कोर पे, जिसको कि अगर देखें तो रिच द टू, अगर आपको टू रिच सेंटर ऑफ द अर्थ यू विल हैव टू डिग, टू रिच द सेंटर ऑफ द अर्थ अगर देखें यू विल हैव टू डिग अगर देखें तो अराउंड अगर देखें 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर है, और इंसान जो ने 4 किलोमीटर ओनली डिगिंग कर पाया, तो आप समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ें अंदर काम नहीं कर पाता है। ये क्रस्ट जो हिस्सा हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, इट क्रस्ट अगर देखें तो ये सिर्फ इट इज़ ओनली अबाउट 1% ऑफ द मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा है, 1% ओनली, या वॉल्यूम कह सकते हो, इट इज ओनली अबाउट 1% ऑफ द वॉल्यूम, ऐसे बोलना बेटर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अर्थ जो है मात्र, अर्थ का जो क्रस्ट है वो ओनली अबाउट कितना परसेंट है, बहुत ही कम के बराबर है। ये हो गया हमारे इसके बारे में। अगर हम इस डायग्राम को रहने दें और इसको लेकर चलते हैं, यहाँ से निकल कर आता है कि मेंटल की क्या है। तो मेंटल जो है, मेंटल ये सबसे जॉइंट लेयर है, इट इज़ अबाउट 84 to 85% कहा जाता है, मान के चलते हैं कि 84% ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये 84% मास ऑफ द अर्थ पाया था। तो 84 और 1 हो गया क्रस्ट 85, ओनली 15% अगर देखें तो कोर है, ओनली 15% जो ना लगभग 15% के आसपास आप कह सकते हो कोर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे थिनेस्ट जो है
क्रस्ट है, सबसे जाइंट लेवल पे मेंटल है, और अगर हम सबसे अगर देखें मिडिल में अगर देखें तो वो कोर है। कोर में दोनों अगर देखें इनर और आउटर सारे के सारे इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर पूरे के पूरे अर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ से मेंटल में एक चीज और निकल कर आता है कि मेंटल जो है बना किससे है। यार इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, रिसर्च अभी बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है मेंटल में। मेंटल के अगर देखें तो जो कि मेंटल ये जो पूरा हिस्सा है लगभग बताया था ये 2900 किलोमीटर के बराबर, विच इज अबाउट अबाउट 2900 किलोमीटर है ये इसमें बहुत ज़्यादा इसका अगर देखें तो रिसर्च से निकला नहीं है अभी। काफ़ी सारी चीज़ें कहा जाता है, साइंटिस्ट अभी भी प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस है, बट इसमें कुछ ऐसे चीज़ें निकला है जैसे कि अगर हम देखें तो लगभग अगर एक बेसाल्ट का नाम आता है, एक बेसाल्ट है, एक और कुछ जेनोलिथ जेनोलिथिस करके या जेनो कुछ ऐसे करके है जो ना, जेनो लिथियस करके एक सब्सटेंस है, उससे जो ना कंसिडर किया जाता है हल्का फुल्का, उसके एविडेंस मिलते हैं, बट ये पूरी तरह से क्योंकि मैग्मा जो है ना अगर देखें मैग्मा सॉलिडिफिकेशन जो होने के कारण से ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च अभी भी चल ही रहा होता है। ठीक है, मैग्मा सॉलिडिफिकेशन यहाँ से आता रहता है, इसमें भरता रहता है और ये चेंज होता रहता है, तो इसलिए ये चीज़ अभी भी इसका सबसे ज़्यादा अगर देखें तो अभी भी रिसर्च में है। इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन हमें नहीं निकल कर आई है कि किसके किसके कारण से बना है। अब अगर हम यहाँ से देखें अगेन क्रस्ट की अगर बात करें तो क्रस्ट जो है ना सबसे पहले क्रस्ट की बात हो ही गई है, दोबारा थोड़ा सा टॉपिक क्रस्ट पे हम एक जिक्र करेंगे। सबसे पहले कोर देख लेते हैं एक ब्रीफ में, कोर की स्टडी क्या है। कोर अगर हम यहाँ से निकाल कर देखें, कोर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट में से कोर लगभग ये अगर देखें अप टू ये इसकी जो लेंथ है इसकी अप टू अगर देखें अप टू 3500 किलोमीटर है, ये 3500 किलोमीटर के आसपास है। कुल रेडियस अगर अर्थ की आप निकालो, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ अगर हम देखें, ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो ये 6500, ठीक है, 6500 या 300 कुछ ऐसा ही है जो कि निकल कर आता है, लगभग लगभग 300 है, 6371 किलोमीटर के आसपास है, ये अर्थ की रेडियस है। ये रेडियस 3500 अगर हम देखें ये हो गया, 2900 हो गया ये, और 35 इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये 534 अगर हम देखें तो यहाँ ये 6000 अराउंड अगर देखें तो अगर 5 ऐड करते हैं उसे नहीं फ्लोर को तो ये बन जाता है 05, ठीक है, कुछ अराउंड इसी 3371 किलोमीटर ये लिया जाता है। सबसे पहले कोर की अगर हम बात करें, कोर में हम चल रहे थे तो कोर जो इनर है ना, इनर कोर जो पूरे के पूरे अगर देखें इनर मोस्ट लेयर हो गया, ये सबसे इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर होने के साथ साथ ये 35 किलोमीटर अगर हम देखें तो ये इसकी लेंथ है। तो ये इनर कोर अगर देखें, ये कोर जो है, कोर इज मेड अप ऑफ अगर हम देखें, कोर जो बना है ये बड़ा पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा बना है ये बना है दो चीज़ों से मिलकर, एक है निकेल अगर देखें और एक है आयरन। आप जानते होंगे कि आयरन का नाम फेरस रख लिया जाता है, ठीक है, आयरन को फेरस कहा जाता है साइंस या ज्योग्राफी में अगर हम बढ़िया से अगर हम देखें तो इसे फिर से कह सकते हो आप, यहाँ से वर्ड निकालो, टू वर्ड एन आई हो गया और फेरस का दो वर्ड चुन लो यहाँ से, ठीक है, एन आई प्लस एफ ई, तो निफे वर्ड जो बना ये निफे वर्ड से, निफे से बना है कोर पूरा का पूरा अगर देखें तो। कोर यहाँ पे कोर की खास बात है कि काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर होने के कारण से इनर कोर सॉलिडिफाइड है और आउटर कोर जो है लिक्विड में पाया जाता है। ये कोर की बातें हो गई, आते हैं थोड़े से लेंथ पे हम अर्थ के बारे में देखें और कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है। तो जो क्रस्ट है सबसे पहले उसे देख लें, अगर हम क्रस्ट की अगर हम बात करें, ये जो हिस्सा क्रस्ट एकदम विच इज 1% ऑफ द अर्थ, ये क्रस्ट को अगर हम देखें तो क्रस्ट जो है ना, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, ठीक है, इसे अगर हम हटा भी दें, ठीक है, तो क्रस्ट जो है
ये कई लेयर से मिलकर बना है क्रस्ट। सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट जो है इज मेड अप ऑफ अगेन अप ऑफ सेवरल लेयर्स। अगर हम देखें तो क्रस्ट जो है कई तरह के लेयर से बना है, एक नहीं कई तरह के क्रस्ट जो है ना मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स से बना है। और वो सेवरल या फिर सेवरल लेयर्स में बनने के कारण से वो हो गया। इसके साथ साथ क्रस्ट जो है ना अगर देखें तो इज मेड, अगर देखें मेड अप ऑफ वेरियस रॉक्स। यहाँ से ये निकल कर आता है कि क्रस्ट जो बना है जो 1% ये ओनली 1% पाया जाता है अर्थ के वॉल्यूम का, ये बना है किससे, ये बना अलग अलग रॉक से। तो यहाँ से निकल कर आता है कि रॉक क्या होता है, कि रॉक्स जो है ये रॉक्स क्या होते हैं। रॉक्स अगर याद करो आप कि चट्टान जिसे हम कह सकते हैं लेयर, अगर देखें तो एक नेचुरल मास ऑफ मिनरल, अगर हम देखें तो नेचुरल होता है नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल मास ऑफ मिनरल, मिनरल से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, मिनरल या मैटर, मिनरल मैटर कह सकते हो आप, मिनरल से मैटर से बना हुआ ये सब्सटेंस होता है जो कि अगर देखें अर्थ के क्रस्ट को बनाता है, अर्थ के क्रस्ट को, नेचुरल मास ऑफ मिनरल, मास ऑफ मिनरल होता है जो अर्थ के क्रस्ट को बनाने में मदद करता है। तो सबसे पहले ये हो गया रॉक के बारे में। रॉक अगर हम देखें, रॉक की बात करें, ये बहुत तरह के होते हैं। रॉक कैन बी डिफरेंट टाइप, रॉक कैन बी डिफरेंट टाइप्स, किसके बेसिस पे भाई, तो ये साइज कलर के बेसिस पे, कलर हो गया साइज के बेसिस, कलर हो गया, कलर के साथ साथ आप साइज भी अगर हम देखें तो कलर इसके साथ साथ साइज भी हो सकता है। और इसकी एक सबसे खास बात होती है अगर हम देखें कलर साइज के साथ साथ, और इसकी अगर एक अच्छी बात अगर हम बताएं तो ये टेक्सचर के बेसिस पे भी अलग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे रॉक्स को ना अलग अलग एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ए कलर साइज एंड टेक्सचर रॉक कैन बी कैटेगराइज इंटू डिफरेंट टाइप्स। तो कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सबसे पहले उसको लेके देखते हैं कि क्या इसमें कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग ऐसा लेयर बनाता है। तो रॉक के अलग अलग टाइप्स में अगर हम सबसे पहले जो रॉक्स की अगर हम बात करें, रॉक्स की टाइप्स कर रहे हैं, रॉक्स, ठीक है, रॉक्स टाइप्स या टाइप्स ऑफ रॉक्स इसे तीन कैटेगरी में बांटा जा सकता है। इट कैन बी थ्री टाइप या इट कैन बी ग्रुप इनटू थ्री कैटेगरी। सबसे पहले जो होता है इग्नुअस होता है, इग्नुअस रॉक, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला इग्नुअस रॉक जो होता है सबसे फर्स्ट होता है। दूसरा जो रॉक होता है अगर हम देखें तो उसे सेडिमेंटरी रॉक बोलते हैं। सेडिमेंटरी रॉक, अभी हम इसके डेप्थ देखेंगे क्या क्या इसमें पाया जाता है। ये सेडिमेंटरी रॉक हो गया। तीसरा जो होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। आप या इसे यूं भी कह सकते हो इग्नुअस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये हो गया ये सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सारे इसके अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा ये टाइप पाए जाते हैं तीन तरह के रॉक। अगर इग्नुअस की अगर हम बात करें तो बाकियों को हम रहने देते हैं, सबसे पहले इग्नुअस को उठाते हैं। इग्नुअस जो रॉक है ये अगर हम देखें तो ये इग्नुअस, ये जो वर्ड है सबसे पहले इसी को ब्रेक करते हैं, ये एक लैटिन वर्ड जिसका अगर हम देखें तो लैटिन वर्ड है जिसका नाम, जो वर्ड बना हुआ है इग्नियस, IGNIS, इग्नियस, इग्निस, इग्निस का मीनिंग क्या होता है, इग्निस का मीनिंग होता है फायर, कि एक ऐसा रॉक जो फायर से बना है। फायर यहाँ पे क्या है,
तो ऑब्वियसली यहाँ फायर क्या है, मोल्टन मैग्मा है। मैंने आपको याद करो वो बताया था, उसमें मैग्मा यहाँ से निकलकर क्रस्ट पे आता है, अंदर मेंटल में रह जाता है। तो ये जो मोल्टन मैग्मा जो होता है, ठीक है, मैग्मा इनसाइड ऑफ द अर्थ, ये इनसाइड ऑफ द अर्थ जो होता है धरती पर जब कूल डाउन होता है, जो मैग्मा निकल कर आती है, पूरे के पूरे लावा जिसे कहते हैं, कूल डाउन होता है, ठीक है, इनसाइड ऑफ द अर्थ कूल डाउन। कब क्रस्ट बनता है, इग्नुमस रॉक कब बनता है, जब मोल्टन मैग्मा इनसाइड ऑफ द अर्थ कूल्स डाउन ऑन द सरफेस, या फिर अगर हम देखें तो कूल्स डाउन इट इज कॉल्ड, ये प्राइमरी रॉक कहलाता है, प्राइमरी रॉक, ठीक है। जब लैटिन वर्ड से इग्नुअस रॉक, एक लैटिन वर्ड से बना है इग्निस, इग्निस का मीनिंग होता है फायर अगर हम देखें, और फायर मतलब क्या फायर, तो यहाँ से मोल्टन मैग्मा जो धरती के अंदर से निकलता है और वो जब कूल डाउन होता है, उसके कूल डाउन होने का दो प्रोसेस है, तो उसी से जब धरती से कूल डाउन होता है वो मैग्मा, तो वो बनता कहलाता है प्राइमरी रॉक। ये जो होता है प्राइमरी रॉक, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नुअस रॉक, और ये होता है एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इग्नुअस रॉक। अब इसको उठाते हैं, ये क्या चीज होता है भाई, जब ये धरती के लावा जब निकलता है तो ये जब अंदर ही रह जाता है, ठीक है, ये जो ये हमने ये क्रस्ट था, इसके बाद ये जो पूरा का पूरा मेंटल में जो फंस के लावा रह जाता है ना, वो क्या बनाता है, वो ऐसी चीज़ों को बनाता है जो कह रहा कि इसे, अब अगर हम यहाँ लिखना चाहें सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ जगह ना नीचे नहीं लिखे तो इसको ऊपर ले आते, तो सबसे पहले देखें इग्नुअस के टाइप्स दो हो गए, इग्नुअस के दो टाइप्स निकलता है, प्राइमरी रॉक्स के दो टाइप, इंट्रूसिव इग्नुअस रॉक, इंट्रूसिव अगर देखें इग्नुअस रॉक और एक एक्सट्रूसिव। तो यहाँ अगर हम इंट्रूसिव का जिक्र करें, या फिर पहले, हाँ चलो इसी को कर लेते हैं, इंट्रूसिव इग्नुअस रॉक्स, अब इसे हटा लेते, ये कब होता है कि व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, जब मैग्मा धरती के अंदर इसी मेंटल वाले लेयर पे कूल हो जाता है, तो जो बनता है वो बनता है इंट्रूसिव रॉक। तो ये इंट्रूसिव रॉक बनता है इससे, ठीक है। तो इससे जो ना डीप इनसाइड अगर देखें तो मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, इसीलिए अगर देखें तो इसे कहा जाता है इंट्रूसिव। इसका अगर हम एक कोई अगर ऐसी चट्टान जिसको कि हम देखें धरती पर इसी तरह से जमीन से माइनिंग करके निकाला जाता है, गड्ढा करके, वो होता है, इसलिए माइनिंग बड़े गड्ढे गड्ढे होते हैं, वो होता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक इज ए एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव इग्नुअस रॉक, इस बात का याद रहे, इसीलिए थोड़ा माइनिंग जो है बहुत डीप होती है, क्योंकि डीप में लावा जब ठंडा होता है वहीं पे कूल डाउन होता है, तो इंट्रूसिव इग्नुअस रॉक बनते हैं, और इग्नाइट उसका, अगर ये ग्रेनाइट जो है अगर देखें तो इसका एक उदाहरण होता है। यहाँ से लेकर आते हैं नेक्स्ट, अगर देखें थोड़ा सा अगर हम देखें बनते हैं इसकी तरफ एक्सट्रूसिव की तरफ, तो एक्सट्रूसिव जो है एक्सट्रूसिव इग्नुअस रॉक, ये एक्सट्रूसिव इग्नुअस रॉक जब मैग्मा धरती के बाहर निकल जाता है, धरती के अगर देखें तो एटमॉस्फेयर में जब कूल डाउन होता है, लेयर क्रस्ट पे अगर हम देखें, क्रस्ट पे अगर कूल डाउन हो जाता है,
तो वो बड़ी तेजी से ठंडा होता है अगेन, ठीक है। और उससे जो रॉक बनता है वो बनता है एक्सट्रूसिव इग्नुअस रॉक बनता है, ठीक है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन मैग्मा कूल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट, या कूल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि क्रस्ट, इट रैपिडली कूल डाउन, ठीक है, या फिर कूल डाउन उसमें हो चुका है सरफेस, जब सरफेस पे आता है और रैपिडली कूल डाउन होता है, अगर देखें तो बड़ी तेजी से ठंडा होता है, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर ठंडा है। तो इसे लिख देते हैं कूल्स डाउन एंड मेक्स दिस टाइप ऑफ रॉक, ठीक है। और इसी को कहा जाता है रैपिडली कूल डाउन, और ये एक्सट्रूसिव इग्नुअस रॉक को बनाता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। इसका अगर हम एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो इसी में आता है बेसाल्ट, एक कैटेगरी है, रॉक है, ठीक है। ये माइन किया जाता है, और आपको बता दूं ये बेसाल्ट जो आता है, ये जो रॉक बनता है हमारा डेकन प्लेटू, इसी से बना डेकन प्लेटू जो बना है वो इससे बना। ये पूरा का पूरा नहीं कह सकते कि हाँ इसी से बना है, लेकिन ये हो गया हमारा उसके बारे में। अगर हम सीधा सीधा देखें किसके बारे में, क्रस्ट जो बना है वो काफी सारे रॉक से मिलकर बना, क्रस्ट जो बना है वो काफी सारे रॉक, और वो क्रस्ट जब मैग्मा जब ठंडा होता है तो प्राइमरी रॉक बनाता है। प्राइमरी मैग्मा ठंडा दो तरह से होता है, एक धरती के अंदर रह जाता है तो बना इंट्रूसिव इग्नुअस रॉक, धरती के बाहर आ जाता तो एक्सट्रूसिव इग्नुअस रॉक। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल था ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल है बेसाल्ट अगर देखें, और ये डेकन प्लेटू इसी से बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट, अगर हम देखें सेडिमेंट्री रॉक्स, क्रस्ट के बाद सेडिमेंट्री रॉक, इग्नुअस के बाद आई मीन, तो सेडिमेंट्री रॉक जैसा कि नाम से पता है सेडिमेंट्री, अगेन ये भी एक सेडिमेंट्री वर्ड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ये भी एक लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड है सेडी। अगर देखें सेडिमेंट, सेडिमेंटम अगर हम देखें, कुछ ऐसा याद है जहाँ तक मुझे, उसी से बना, सेडिमेंटम से। तो सेडिमेंटम, और इसका मीनिंग अगर हम देखें, इसका मीनिंग अगर हम देखें तो ये कहा जाता है ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पीसेस या पार्ट, ये ब्रोकन पार्ट से अगर देखें तो ये बना है, ठीक है। या ब्रोकन पार्ट, या सीधा इसको कह सकते हैं सेडिमेंट, जो कि सीधा ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि जो सेटल डाउन हो गया है, ठीक है, जो स्थिर, ब्रोकन पार्ट जो है सेडल सेटल डाउन हो गया है, उसी को अगर हम देखें तो उसके कारण से बना है। तो रॉक, आप जानते हो नेचर में रॉक कोई भी, अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट, और आवर अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट था, ठीक है। तो डायनामिक प्लैनेट का मतलब ही था, डायनामिक प्लैनेट डायनामिक प्लैनेट का मतलब ही था क्या, कि अगर देखें तो पूरी के पूरी अगर गतिशील है अंदर से और बाहर से, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रखता है, ठीक है। तो क्या होता है कि रॉक्स जो है ब्रोक डाउन, रॉक्स ब्रोक डाउन, चट्टानें टूटती है, उसमें क्रैक डेवलप होते हैं, ठीक है, क्रैक, ये हिट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखें तो एक दूसरे को हिट, ईच अदर भी आप लिख सकते हैं, ईच अदर बाय विंड वाटर एट्सेट्रा, मतलब कुछ भी और भी आ सकता है, ठीक है। रॉक्स मो, ठीक है, ब्रोक डाउन, या फिर ब्रोक डाउन बाय और क्रैक होते हैं, हिट होते हैं एक दूसरे को विंड वाटर से। एंड अगर देखें तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाता है, इंटू स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस अगर हम देखें, स्मॉल, या फिर स्मॉल पीसेस की जगह पे आप
टुकड़े भी लिख सकते हो जिसमें कि फ्रेगमेंट्स एक ये वर्ड इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर होगा। ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स को ही ना कहा जाता है सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले ये देखो कि क्या ये चट्टान को तोड़ सकता है, पानी विंड अगर देखें ये सब तोड़ सकता है। तो भाई कभी अगर आप राजस्थान गए होगे या फिर कहीं डेजर्ट एरिया में अगर आप गए होगे तो ना वहाँ पे रॉक्स ना ऐसे करके हुए इस तरह के शेप में दिखेंगे आपको, ये मशरूम रॉक्स कहलाते हैं। तो उसको ये किसने ये साइज बनाया, मूवी वगैरह के क्लिप्स में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा बना दे रॉक्स हमें देखने को मिलता है वहाँ पे जो मशरूम जैसा दिखता है। तो वो किसने किया, वो जो किया था वो किसने किया था, विंड ने किया था। और उसके सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स को कहाँ लेके गया, उसको अगर देखें तो उसे लेके पूरी तरह से अगर देखें तो कहाँ चला गया, कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट किया। वो डिपॉजिट जो है ना अगर देखें तो ये सेडिमेंट्स, यही टुकड़े को सेडिमेंट्स करता है। और पहाड़ों पर जो पत्थर होते हैं उसमें क्रैक डेवलप होता है, लैंडस्लाइड होती है, और नदियों में पानी जितने बहते हैं वो घरों से इधर से उधर से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पानी के द्वारा बहाकर नदी में डाल दिया जाता है, नदी उसको रोल डाउन करता है। और आपने देखे होंगे नदी से पत्थर लिए होंगे कितने चिकने चिकने, कितने एकदम मुला, एकदम बहुत सॉलिड सा दिखता है। तो वो किसने बनाया, वो इसी विंड वाटर ये सब एजेंट है जिसने कि उसके पूरे अर्थ को ना एकदम इतने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में अगर हम देखें तो बनाने का काम करता है, और इतना बारीकी से इसे एकदम मुलायम कर देता है। जैसे कि हम ज़्यादातर एग्जांपल के तौर पे अपने घरों में उठाकर लाने की को लाते हैं शौक से, या अच्छे अच्छे जगह पर डेकोरेट किया जाता है जिसमें ये हम इस सेडिमेंट्स के तौर पे उसे इस ये सेडिमेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े काट के निकाले जाते हैं, वो सारे सेडिमेंट्स ये डिपॉजिट होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये डिपॉजिट होते हैं विंड वाटर एयर के द्वारा। और इसको लंबा समय लगता है धीरे धीरे अगर देखें ये सेडिमेंट जो ना ये प्रेशर के कारण से, ठीक है, प्रेशर और कई ऐसी चीज़ों के कारण से अगर देखें तो धीरे धीरे ये सेडिमेंट जो ना कंप्रेस्ड हो जाता है, एकदम दबा दिया जाता है मिट्टी की लेयर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये लेयर दबने के कारण से ये एक अगर हम देखें तो रॉक की लेयर बन जाती है, ये एक रॉक की लेयर बन जाती है। और ऐसे चट्टानों को ही कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो एग्जांपल इसका सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन याद हो आपको शायद, सैंडस्टोन इसका एग्जांपल है, रेड सैंडस्टोन से अगर देखें तो रेड सैंडस्टोन बिल्डिंगों बनाने में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। रेड सैंड स्टोन जो है इसी सेडिमेंट्री रॉक्स का उदाहरण है। लाल किला पूरा इसी से कई सारे मंदिर बनाए गए हैं, आई थिंक अक्षरधाम मंदिर भी इसी से बनाया गया, रेड सैंड स्टोन अगर देखें तो ये पूरा का पूरा ये रेड सैंड स्टोन, ये सैंड स्टोन जो होते हैं ये एकदम क्या होता है जरा उसका ये देख लेते हैं। ये सैंड स्टोन जो है वो बहुत पतले पतले टुकड़े होते हैं सैंड के, अगर हम देखें तो सैंडस्टोन ये बहुत ही उसमें छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स होते हैं, फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड। अगर आप उसे तोड़ोगे उसमें बलुआ पत्थर एकदम अगर हम देखें उसे कहा जाता है रेत, एकदम रेत के जमने से ना वो चीज़ एविडेंस निकल कर आता है कि उसी से ये बना है। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत जब ये जम रहे होते हैं तो जब फ्लो में गए होते हैं वाटर विंड सबके साथ तो इस अपने साथ ना ढेर सारे अगर देखें तो ढेर सारे ऐसे जो ना इसके अंदर फॉसिल्स पाया जाता है, ढेर सारे इसके अंदर ना डेड एनिमल्स प्लांट सबको बरीड कर देता है अपने अंदर, प्लांट एनिमल्स बरीड हो जाता है डीप इनसाइड इट। और इसके डीप इनसाइड वो दबने के कारण से ही अगर देखें तो ये सब फॉसिल्स का निर्माण करता है, ये फॉसिल्स जो है बनते हैं सैंडस्टोन के या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में ही।
सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री में सेडिमेंट्री रॉक्स में प्लांट एनिमल्स ये सब जब बरीड होते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर देखें तो ऐसे रॉक्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ये पूरा इसका पाया जाता है, प्लांट एनिमल्स इसके साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये मिलियंस ऑफ ईयर में जाकर धीरे धीरे जो है कि इसमें फॉसिल्स में तब्दील हो जाता है ये, और यहीं से अब अलग अलग प्रकार के फॉसिल्स में फॉसिल फ्यूल्स के रूप में आप देखते हो कि वो सब निकाला जाता है। यहाँ से आते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है लास्ट वन मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स की खास बात करें तो ये एक मेटामॉर्फिक जो वर्ड बना है ये लैटिन वर्ड से नहीं बल्कि ये बना है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फिक, ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिक जो ना वो मेटामॉर्फस करके कुछ एक वर्ड है उससे बना है, मेटामॉर्फस कुछ याद नहीं आ रहा, इसी से बना है, जिसका एक तरह से अगर देखें तो जिसका अगर पूरा का पूरा याद अगर देखें यहाँ से बना होता है, अगर देखें इसका मीनिंग जो है वो होता है चेंज्ड फॉर्म, लगभग अगर देखें चेंज्ड फॉर्म क्या था? अगर हम कुछ इसको कुछ ऐसा ही था मेटामॉर्फस, MATAMORPHUS, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ये चेंज फॉर्म होता है भाई, जब इग्नुअस रॉक और जब सेडिमेंट्री रॉक्स ये दोनों चेंज होते हैं ना अंडर द ग्रेट हीट एंड अ प्रेशर, ठीक है तो यहाँ लिखेंगे क्या कि व्हेन इग्नुअस, इग्नुअस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। आप जानते हो कि धरती एक हॉट प्लैनेट है, आई मीन धरती एक पूरी तरह से काफी हॉट है, तो इसके अंदर अंदर जैसे डीप अंदर जाते रहते हैं कोई चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होते रहता है, कई बार इग्नुअस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स आपस में इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि वो जो ना अगर देखें चेंज हो जाता है किसने, मेटामॉर्फिक रॉक में, तो व्हेन इग्नुअस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस अंडर ग्रेट हीट एंड अ प्रेशर इट इट कन्वर्ट्स इंटू इट इट कन्वर्ट्स इंटू मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक हो जाता है, ठीक है मेटामॉर्फिक रॉक ये बन जाता है पूरे के पूरे, अगर हम देखें तो इग्नुअस और सेडिमेंट्री रॉक जो ना ये चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देना चाहें तो हम सबके घरों में जो मार्बल लगता है ये मार्बल एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेटामॉर्फिक रॉक का, ये इसको याद रखना है, ठीक है तो यहाँ से क्या होता है ये लगभग टॉपिक ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, अर्थ आवर डायनामिक प्लैनेट या आवर होमलैंड हम देखें तो यहाँ से क्या होता है कि अभी आपने देखा कि ये चीज़ें पत्थर टूट जाते हैं फिर पत्थर, ये कैसे होता है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, नेचर में रॉक हमेशा अपने एक आपको चेंज करता रहता है, एक साइकिल के रूप में घूमता रहता है। मैं थोड़ा सा उस साइकिल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ठीक है इग्नुअस रॉक है ये छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं ऐसे, अगर ये तो ये सेडिमेंट्स बन गया, ये ग्रेट हीट एंड प्रेशर मैंने अपने आपको एक चट्टान का रूप दे देते हैं, मान लीजिए अगर इस तरह से मैं दिखाऊं कि हालांकि ये चट्टान जरूरी नहीं प्रकृति बनाता है किसी भी तरह से बन सकता है, ये किसी भी तरह से ये लेयर बन जाता है तो ये बन गया सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, ठीक है ये सेडिमेंट्स
अंडर हीट एंड प्रेशर चेंज होकर सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो जाता है, ठीक है। ये फिर से अगर हीट एंड प्रेशर में ना मेटामॉर्फी में बदल जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर ये इसमें तब्दील हो जाता है। अब यहाँ से देखें तो मेटामॉर्फिक, कई बार इग्नुअस रॉक भी जो है डायरेक्टली हीट एंड प्रेशर के कारण से मेटामॉर्फिक में तब्दील हो जाता है। अगर यहाँ ठीक है थोड़ा सा अगर और देखें तो ये थोड़ा यहाँ से निकल कर आता है। आपको ये पता ही है कि ये अंडर ग्रेट हीट मेटामॉर्फिक रॉक बहुत अंदर पाया जाता है, हालांकि इसकी कोई अश्योरिटी नहीं होती है कि कौन जगह क्या है। तो ये हीट एंड प्रेशर जो होती है प्रेशर के कारण से हर जगह होता है, ये मैग्मा में तब्दील हो जाता है। और मैग्मा जब आता है धरती पर तो आपको पता है कि ये प्राइमरी रॉक का रूप ले लेता है, इग्नुअस रॉक और प्राइमरी रॉक में ये चीज़ें कन्वर्ट हो, तो कई बार मैग्मा डायरेक्ट इग्नुअस रॉक कन्वर्ट हो जाता है मैग्मा में हीट एंड प्रेशर। और मैग्मा धरती पर जब आता है इरप्शन वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू से तो वो कूल डाउन होता है और वो इग्नुअस का रूप ले लेता है। कई बार डायरेक्टली अगर सेडिमेंट्री अगर ज़्यादा हीट एंड प्रेशर में चला जाता है तो ये भी इसका रूप ले लेता है। और कई बार रॉक के चट्टान के टुकड़े होते हैं, जैसे मार्बल के टुकड़े हो गए, घरों का मार्बल टूटा हुआ छोटा छोटा पीस, तो ये धीरे धीरे फिर सेडिमेंट्स बन जाता है और वो धरती पर फेंकने के बाद हम लोग ऊपर में क्रस्ट में फेंक देते हैं। लेकिन या किसी नेचुरल तरीके से भी अगर वो टूट जाता है मेटामॉर्फिक रॉक, जिसका उदाहरण हम एग्जांपल थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे डीप इनसाइड अर्थ जाता है ना, तो वो छोटे छोटे मार्बल के टुकड़े हीट एंड प्रेशर के कारण से अपने आप को धीरे धीरे वो जोड़ लेता है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स का रूप ले लेता है। ये हो गया आपको रॉक साइकिल के बारे में, ये था रॉक साइकिल की रॉक साइकिल कैसे नेचर में घूमता रहता है। ये रॉक साइकिल जो आपस में नेचर में घूमता रहता है, रॉक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है यार, इसी रॉक्स से ना बिल्डिंग्स बनते हैं, ठीक है। और एक सबसे पहली बात, आप फेमस बिल्डिंग देख लो, बहुत सारे मंदिर उठाकर देख लो, आजकल घर देख लो, सबके सब मार्बल से ही बने होते हैं, ये सारे रॉक्स का इम्पोर्टेंस होता है। और रॉक्स अपने आप में, एक चीज़ अगर बताऊँ तो रॉक्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, रॉक्स जो बने होते हैं मिनरल से बने होते हैं। अब यहाँ से मिनरल की कहानी शुरू हो जाती है। आपने मिनरल के बारे में सुना होगा, क्या क्या आयरन है, गोल्ड है, ये सब मिनरल ही तो है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम, ये सब जितने भी हैं लगभग, इससे इसी तरह से अगर देखें यूरेनियम है, ये सब क्या है, ये सब मिनरल है। और ये सब कहाँ पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। तो मिनरल जो है, जब हम चैप्टर बढ़ाएंगे तो हम इसको एक एक करके आपको ब्रेक करेंगे कि उसके ऊपर लेकर आऊँगा मैं क्लिप्स। तो रॉक्स किससे बने, रॉक्स के पास डिफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन है हर रॉक का। कोई रॉक बहुत फेमस है जिसमें पाया जाता आयरन, कोई रॉक है जिसमें गोल्ड पाया जाता, किसी रॉक में सिल्वर पाया जाता, ऐसे थोड़ी कि गोल्ड ऐसे मिलता है, तो ये रॉक्स में ही मिलता है। तो इसलिए रॉक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। रॉक्स के बारे में हम ये पूरा डिटेल अर्थ और उसके आवर होमलैंड जो भी चीज़ें थी इसको हम कवर करने की कोशिश